वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मेहंदी व्लॉग। और मैं आज अपने बालों में लगा रही हूँ मेहंदी। उससे पहले मैंने अपने बालों को सुलझा लिया है कॉम करके। तो गाइस ये देखिए, ये हमारे पड़ोस में भाभी रहती है, ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है बालों में। तो ये लगा रही है मेरे बालों में मेहंदी। मैंने इनको बोल दिया था कि बाबू प्लीज मेरी मेहंदी लगा देना। तो ये बहुत ही अच्छी है, इनका नेचर बहुत अच्छा है। ये बारी में ही मेरे पास आ गई लगाने के लिए। और गाइस मेहंदी में लगा रही हूँ, और मेहंदी लगाना चाहिए बालों में क्योंकि उससे बाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एंड हेल्दी रहते हैं और काफ़ी अच्छा कलर भी रहता है बालों में। तो मैंने सोचा करवा चौथ आ रहा है तो क्यों ना बालों पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। सब लोग अपने ज्वेलरी पे, मेकअप पे एंड फेस पे, हाँ तो पहले सब पे ध्यान देते हैं, बालों पे बहुत ही कम लोग ध्यान दे पाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बालों पे भी थोड़ा सा केयर कर लूँ क्योंकि काफ़ी टाइम मेरे बाल थोड़ा सा झड़ भी रहे थे, काफ़ी हल्के हो गए मेरे बाल। और तो मैंने सोचा कि मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। और ये मेहंदी बहुत ही अच्छी मेहंदी है जो मैं लगा रही हूँ, उससे काफ़ी नेचुरल कलर आता है बालों में। तो यहाँ पर मैं भाभी बहुत अच्छा जो है जूड़ा बनाती हैं। और आप गाइस देखना कि भाभी किस तरीके से मेहंदी लगा रही हैं, और आप लोग भी उनको जैसे वो लगा रही हैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, और आप भी लगाना। अगर किसी को नहीं आता है लगाना कि कैसे लगाते हैं मेहंदी बालों में, तो आप लोग देख सकते हैं। पर मैं अच्छे से नहीं दिखा पा रही क्योंकि मुझे थोड़ी इजाज़त नहीं थी फेस में लेने की भाभी का। भाभी ने मना किया था कि मुझे मत लेना मेरे फेस को, तो मैंने इसलिए उनका फेस थोड़ा मैंने अवॉइड करा कैमरे में आने से। तो गाइस इसके लिए सॉरी, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा मेहंदी देखने में, पर कोई बात नहीं। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाभी कैसे लगा रही है। उन्होंने बीच के दो पार्ट कर दिए हैं और साइड से ले लेके थोड़ी थोड़ी बाल लेके उसमें मेहंदी लगा रही है और राउंड कर रही है, जूड़ा बना रही है। और एकदम परफेक्ट जूड़ा बनाया उन्होंने, कोई इधर उधर कुछ नहीं हुआ। देखो मैंने साइड से आपको दिखा दिया, ऐसे थोड़े थोड़े बाल लेके ऐसे वो घुमा रही है और फिर वो मेहंदी लगा रही है। मेहंदी बहुत ही अच्छी लगी है। और मेहंदी में मैंने क्या क्या मिलाया है अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो मैं आपको बता दूंगी कि मैंने क्या क्या मिलाया है मेहंदी में। क्योंकि मेहंदी में भी वो अच्छी, वैसे तो मेहंदी में काफ़ी जो है मिला होता है सामान, फिर भी हम ऊपर से और भी कुछ सामान मिला देते तो और भी कहते हैं सोने पे तो खा जा वो वाली बात हो जाती है। तो इसमें मैंने कुछ कुछ और भी है दो चार आइटम जो मिलाया है, तो जिससे और ही अच्छी ग्रोथ आई है मेरे बालों में। मैं पहले भी लगाती आई हूँ ये मेहंदी, फिलहाल अभी बहुत टाइम बाद लगा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैंने अभी लगा रही है। क्योंकि आगे आ रही है सर्दियाँ, तो सर्दियों में फिर और ठंड सी लगती है, इसलिए मैंने मेहंदी सोचा अभी लगा लूँ और फिर करवा चौथ भी है। तो गाइस बताना आपको मेरा मेहंदी ब्लॉग कैसे लगा। जो भी न्यू है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी न्यू व्यूअर है मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना। कमेंट करके बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। एंड गाइस आप लोग मुझे मेरा इतना सपोर्ट करते हो, इतना मेरा वीडियो वॉच करके अच्छे से कमेंट करते हो एंड थैंक यू सो मच गाइस। जो भी करते हैं मैं सबके कमेंट अच्छे से रीड करती हूँ एंड हो सकता है तो कहीं को मैं रिस्पॉन्स भी करती हूँ उनको, बैक कमेंट भी उनका जो है रिप्लाई भी देती हूँ, थैंक यू भी करती हूँ जो भी अच्छे कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच। अभी भी मैं कहती हूँ आप लोग मेरे से जुड़े हुए, मैं आपको दिल से थैंक यू कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना मेरे इतने अच्छे जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखकर। एंड गाइस देखिए मेरा हो गया है, तो थोड़ा सा रह गया बाल बस, तो इसमें मेरी दो पैकेट मेहंदी लगी है। ये देखिए मेरे बाल थोड़े लंबे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा भाभी को दिक्कत हो रहा था, मुझे भी दर्द हो रहा था क्योंकि बाल खिंच जाता है तो दर्द होता है उसमें थोड़ा सा, तो वो मुझे थोड़ा बीच बीच में पेन हो रहा था। मैं भाभी को कहती भाभी आराम से करो क्योंकि बाल खींच रहा है तो उसमें दर्द हो रहा है। भाभी ने बहुत अच्छे से प्यार से लगाया भाभी ने मेहंदी। ये देखिए और इसमें मेरा कम्प्लीट हो गया है मेहंदी लगाना। और आपको कुछ मेरे कुछ भी पूछना है, आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना अपने आपको जो भी आपका मैसेज है, तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस मेरा ब्लॉग देखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमेशा कनेक्ट रहना एंड जो भी न्यू है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्लीज डोंट फॉरगेट टू
गाइस देखिए मेरी मेहंदी लग गई है कंप्लीट, और उसके बाद मैंने जो है कैप को पहन लिया है ताकि, क्योंकि मेहंदी जो सूखती रहती है तो फिर वो झड़ना शुरू कर देती है, तो उसके बाद थोड़ा सा गंद बच जाता है, तो इसलिए मैंने इसको वेयर कर लिया है। और वैसे भी मेहंदी लगाने के बाद तो हमें कैप पहननी चाहिए। अगर आपके पास कैप नहीं है तो आप कुछ भी पॉलीथीन वगैरह भी उसको रैप कर सकती हो, क्योंकि उसको कवर करने से सही रहता है, मेहंदी का अच्छा कलर आता है और जो भी मेहंदी है वो अपना वर्क करती है इसको कवर करने से। क्योंकि धूप भी कहते हैं मेहंदी पे धूप नहीं लगानी चाहिए, अदरवाइज़ हमको कुछ बाहर गैलरी में काम करना है कुछ करना है तो हमारे सर पे धूप नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए हम कैप पहनते हैं। तो इसलिए मैंने कैप पहना है। और बताइए आपको मेरी मेहंदी लगी हुई फ़ोटो कैसी लग रही है, मतलब मैं कैसी लग रही हूँ? तो अच्छी तो नहीं लग रही, पर फिर भी क्या करें यार, मेहंदी का एक प्रोसेस था जो मैंने पूरा कर लिया, मुझे लगानी थी। और बताइए आपको मेरा मेहंदी वाला वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। और अगर आपको वीडियोस मेहंदी से रिलेटेड मुझसे कुछ पूछना है मेहंदी के बारे में, क्योंकि मैंने कौन सी मेहंदी लगाई है और मेहंदी में क्या क्या मिलाया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, कमेंट में ही बता दूंगी, वीडियो नहीं बनाऊंगी उसके लिए। तो अगर आप कहोगे तो बना लूंगी, नहीं तो मैं आपको तुरंत जवाब जो है कमेंट सेक्शन में दे दूंगी अगर किसी को मेरे से पूछना है तो। ठीक है, मैंने मेहंदी लगाई है, बहुत अच्छी मेहंदी है जो मैंने लगाई है और बहुत अच्छा कलर आता है इसका, नेचुरल कलर आता है, नहीं तो और जो मेहंदी होती है ना उनमें काफ़ी कलर मिला होता है, तो इसमें कोई कलर नहीं है। तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। ठीक है, आप अपना मैसेज ड्रॉप कर देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।